अलवर कृषि उपज मंडी में आज सरसों का क्या भाव है? सरसों का कंडीशन मानो 67 से 68 तक 42 लेव हुआ, यानी कि 6800 रुपये तक ऊंचे में बढ़िया क्वालिटी का 42% जो लेव आई है उसको बेचा गया है। बेचा गया। और सर आवक क्या समझे आज? आवक मान लो 3000 कट्टे। 1000 सर गेहूँ का क्या भाव चल रहा है? गेहूँ का है 2080-85-90 तक है। 2080-90। हाँ, 80। और सर चने का क्या भाव है? चने का 44,500-44,400। सर अभी हमने मंडी में देखा है कि वो जो समर्थन मूल्य पर जो चना बेचा जा रहा है तो उस पर 5,250 रुपये में बेचा जा रहा है। अब मंडी में इतना कम है तो क्या अब भी किसान आढ़तियों के पास लेकर आए? नहीं, अब नहीं लाएगा, गवर्नमेंट खरीद शुरू हो गई, अब वहीं देना पसंद करेगा। यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट की खरीद उससे ज़्यादा हुई तो किसान वहाँ देना शुरू कर दें। देना शुरू कर दें। सर ग्वार का क्या भाव चल रहा है? ग्वार का मानो 5,500 समथिंग। चुगवार 5,500 है। और बाजरा? बाजरा है 2,050-60। जो है 2,700-2,800। सर क्या आने वाले दिनों में सरसों के भाव में कुछ तेजी या नरमी का क्या अनुमान? हाँ, थोड़ा 7,000 समथिंग हो जाएगी कंडीशन। अच्छा, यानी कि जो तेल के भाव में कमी हुई है उससे सरसों के भाव पे कोई असर नहीं आ रहा है? हाँ, उससे नहीं आ रहा है। किस आधार पे थोड़ा पोजीशन 7,000 पहुंचने की संभावना है? मतलब अभी तो डाउन जा रही थी 2-8 आवक घट गई है एक तो। अच्छा, और जैसे तेलों में थोड़ा उछाल शुरू हो गया है। अच्छा, और इससे थोड़ा सा उम्मीद बन रही है कि भाव बढ़ेगा, 7,000 समथिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी लगातार एक महीना सरसों का भाव लगभग डाउन सर। कौन सी फर्म है सर? ऋषि ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, थैंक यू।